सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि डिप्टी सीएम सीएम के मुकदमे तो वापस हुए हैं, यह जग जाहिर है। सदन में बोल देना अलग बात है, बल्कि इसको संज्ञान में लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आपराधिक मुकदमे सरकार ने वापस किए हैं उसको फिर से रीओपन किया जाए। नेताओं पर आंदोलन के मुकदमे हैं, आपराधिक नहीं है। मैं 6 साल से देख रहा हूँ सदन में बराबर यह बात आती है कि जब पार्टियां सत्ता में रहती हैं तो झूठ बोलती हैं और जब विपक्ष में होती हैं तब सच बोलती हैं। हम भी जानते हैं कि मुकदमे वापस हुए हैं। बुलडोजर की कार्रवाई पर सवाल उठाने को लेकर ओपी राजभर ने कहा कि विपक्षी सवाल किस बात को लेकर उठा रहे हैं। अगर अपराधी ने अपराध किया है और वह भाग रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो क्या बुरा है, कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, यह जरूर है कि सरकारों का अलग अलग काम करने का तरीका है। यह सरकार बुलडोजर की सरकार कही जाती है, समाजवादी पार्टी गुंडों की सरकार कही जाती थी। हमको तो मायावती की सरकार लॉ एंड ऑर्डर की सरकार पसंद है। पहली बार जब मायावती मुख्यमंत्री बनी और जो 4.5 साल का कार्यकाल था वो बहुत पसंद आया। सुबह सपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने कहा कि अभी चुनाव दूर है, प्रदेश में अंदर खाने विपक्षी गठजोड़ लग रहा है, सभी विपक्ष के लोग डरे हुए हैं, चाहे किसी भी स्टेट के हों। कोई ईडी से डर रहा है तो कोई सीबीआई से डर रहा है, इसलिए कोई मुखर होकर सामने नहीं आ पा रहा है, जिसका नतीजा यह है कि लोग भीतर ही भीतर खिचड़ी पका रहे हैं। जब तक कि खिचड़ी पक ना जाए तब तक ओम प्रकाश राजभर कैसे कह दें कि हम किधर हैं। नॉर्थ ईस्ट के नतीजों पर ओपी राजभर ने कहा कि जिन राज्यों में लंबे समय तक सरकारें चली जाती हैं तो जनता का स्वाद बदल जाता है, वह दूसरी बार से स्वाद चाहते हैं और विकास चाहते हैं। जैसे हम यूपी की बात करें तो लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार थी, उत्तर प्रदेश की जनता ने स्वाद बदलने का सोचा तो 19 साल लगातार सपा और बसपा का स्वाद चखा, फिर जनता इनसे ऊब कर बीजेपी के साथ खड़ी हो गई तो बीजेपी का स्वाद चख रही है। जनता कब क्या मूड बना दे वही मालिक है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने जनता को नेता बनाने की पावर दी है, यह तो जनता का ही फैसला है कि कब किसके पक्ष में क्या आ जाए।